कपिल सिब्बल ने कहा है कि वो कभी सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील नहीं रहे। उन्होंने कहा है कि उनकी आस्था पीएम मोदी नहीं भगवान में है और भगवान ही राम मंदिर बनवाएंगे। एक बात का मुझे दुख हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कभी कभात बिना जानकारी के कुछ बोल देते हैं, आज उन्होंने और अमित शाह ने सुना है, कहा है कि मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड का वकील था सुप्रीम कोर्ट में जब कल पेशी हुई। शायद उनको ये जानकारी नहीं है कि मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड का वकील कभी भी नहीं रहा, और कल जब हमारी पेशी हुई तो मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। अच्छा होता कि हमारे प्रधानमंत्री जी पहले जानकारी करते और फिर कुछ बयान देते। दूसरी बात है कि जहां तक का सवाल है तो हमारी आस्था तो भगवान पे है। जब भगवान चाहेगा तभी राम मंदिर बनेगा। मोदी जी पे हमारी कोई आस्था नहीं और ना ही राम मंदिर मोदी जी के कहने से बनेगा। बनेगा तो भगवान के कहने से बनेगा। तो कोर्ट में दलील दी थी कपिल सिब्बल ने कि अयोध्या पर जो सुनवाई है उसे 2019 तक टाल दिया जाए, और उसके बाद हमने आपको सुना था जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं हाजी महबूब, उन्होंने इस दलील को खारिज कर दिया था और लगातार कपिल सिब्बल को घेरा जा रहा था। बीजेपी नेता ये सवाल पूछ रहे थे कि उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए इस पे, और अब कपिल सिब्बल बोल रहे हैं कि वो कभी सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ही नहीं।